रुक जा रुक जा, साइड में रोकनी पड़ेगी, रुकती है कोई ना, आगे रोकनी पड़ेगी। घना गुंडा पड़ा भाई, घना गुंडा पति घसड़ता गया है, आड़े साइड में पट भी रही थोड़ी। हाथ पर ठीक है ना तेरे सारे? अरे देखो इन्हें बताया इन्हें, पता हूँ देर तक मैं सुन हो गया था कती मेरे आग गई गिरा कती नू, और ब्रेक जैसे मैंने मारे ना पिछले टायर के ब्रेक लग रहे थे पर टायर को ना रुक रहा था। रियल टीम ऐसी तैसी होगी थी भाई, रियल टीम है घनी को सूती, क्योंकि जब गिरता हुआ देखा ना एकदम तैसे डर लगा भाई, घनी चोट लगी, घनी चोट लगी। राम राम जी, आज 4 जनवरी 2023 सुबह के 7:30 का टाइम हुआ है और अभी हमें शिमला में हम अपन नीचे आ गए हैं, बाइक हमारी नीचे खड़ी थी, तो एक बार चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं फिर सामान पैक करते हैं। और आज एक्सट्रीम विंटर स्पीति का दूसरा दिन है भाई, जाने की तैयारी कर रहे हैं, माइक का प्रबंध कर रहे हैं। देखो राम राम जी सारे ना भाई, गुड मॉर्निंग भाई, यो सामान है भाई जल्दी से अपना पहनते हैं, यो बाइक का सामान था उठा लाए थे मेन मेन, बाकी सारे भाई दो भाई तैयार होने लग रहा था, एक बैग भी टांग लिया। चलो मिलते हैं डायरेक्ट, सब्सक्राइब कर दियो ना। हाँ वाड़ी क्लियर रह रही है, देखा खोल नहीं रहा मैंने इसके टेम्परेचर में खुद भाई खोल मारे ये लग मस्ती कर रहा है। विंटर स्पीति जाओ चे कितने जाओ, लाडू खाते जाओ भाई, लाडू लाडू भी कुलाड़ी के लिए जाओ, कुलाड़ी वाला लेके देख ले के दाड़ा करा जानते घर के समार गड्डो लिमोस गिरी दोबारा लड्डू कहते रोटी भी नहीं मिलनी है तेरे आड़ वीडियो के चक्कर में डोली का नाश कर दे करके मेरे लड्डू हम बना देंगे। अरे भाई साहब सो तो ये डेंजर है, तो क्या गा तो मिक्सअप हो रहा है यार, तो ये होगी चॉकलेट वाली बर्फी उत्तरी बर्फी और ये है तिल के लड्डू। तो ये अपनी बाइक पर सामान पैक करने लग रहे हैं, ये अपनी बाइक है, तो एक बार जल्दी से सामान पैक करते हैं। ये धर्मशाला थी तो इसके जस्ट बगल में यहीं पे बाइक खड़ी कर दी थी, इस दौड़ी पट्टी से उस तरफ खड़ी करनी पड़ती, नहीं तो पुलिस वाले चालान काट देते हैं। ये सामान पैक करने लग रहे हम भी करते हैं, फिर मिलते हैं डायरेक्ट बाइक पे। सुबह के 8 बजे का टाइम हुआ है, हमने अपनी आज की राइड स्टार्ट कर दी है। तो आज का अपना जो प्लान है वो है यहाँ से रामपुर, रामपुर से चितकुल। लो भाई यहाँ पे तेल डलवा लेते हैं, एक डंडा चशबंद करने लग रहा है चशबंद, और यहाँ पे पेट्रोल है 96 रुपये 95 पैसे, डीजल अभी 80 रुपये 92 पैसे। लो जी टंकी फुल कर दो। लो जी यहाँ से मेन हाईवे पे आ गए हैं, यहाँ से रहता भाई चितकुल 232 किलोमीटर, 7 घंटे 37 मिनट रास्ता है। लो जी शिमला से बाहर निकल चुके हैं, शिमला से बाहर निकलते निकलते थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत सारा था, लेकिन अभी बाहर निकलने के बाद जैसे ये बाईपास होता ना उस बाईपास से बाहर आ गए हम, और अभी यहाँ से रामपुर होते हुए हमारा प्लान है चितकुल जाने का। तो जो ब्रेकफास्ट का प्लान है वो डायरेक्ट रामपुर में ही करेंगे, शायद 100 किलोमीटर यहाँ से 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। रामपुर जाना है, रामपुर रामपुर हाँ ओके थैंक यू। रुकूं हूँ, लो भाई रोड बढ़िया है, लेकिन अभी आगे सारा सिंगल रोड मिलेंगे, अभी तक बढ़िया रोड थे, मस्त थे एक नंबर रोड, अभी भी बढ़िया मिलेंगे लेकिन थोड़े से सिंगल मिलेंगे, थोड़ी सी दिक्कत रहेगी चलाने में, ज़्यादा नहीं भगा पाएंगे, बाकी मज़ा आ रहा है। 7-8 किलोमीटर आए होंगे और स्नो देखने को मिली है, देखो दोनों तरफ स्नो है, इस तरफ भी है इस तरफ भी, भाई मज़ा आ गया, तो बजानी पड़ेगी। क्या हो गया, रोकूं हूँ ओके जी कोई नहीं। लो भाई एक कुंज पंजाबी ढाबा बठिंडा वालों का है, किरणदीप सिंह किरण मैम वो है, यहाँ पे करते हैं ब्रेकफास्ट। लो जी चाय और पराठा आ गया है, बाकी आज को मौसम ठीक है, कल रात को गिरी है सुनो या दिन में गिरी है? दिन में भी गिरी और शाम को भी गिरी, अच्छा बहुत बढ़िया मौसम था, नारकंडा में, नारकंडा में आनंद आता आपको। ओके जी धन्यवाद, ओके धन्यवाद जी खाने के लिए, ये थैंक यू बहुत अच्छा खाना मेरे होटल की। ये भाई कुंज वैष्णो पंजाबी ढाबा बठिंडा, थैंक यू ओके। ये भाई नोएडा से हैं भाई, पराठे जरूर खाना, पराठे बड़े टेस्टी हैं, बिल्कुल भाई पराठे ही हमने खाए हैं, साथ में चाय भी, पहाड़ों पे दो ही चीज है पराठे और मैगी चाय। तो भाई अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से लगभग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो नारकंडा होगा, लगभग 20-30 किलोमीटर वहाँ से 70 किलोमीटर आगे है रामपुर,
और रामपुर के बाद चितकुल जाने का प्लान है, लेकिन अगर ज़्यादा लेट होते दिखे तो रिकोंगपियो रुक जाएंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे पहुँचने की, क्योंकि यहाँ से 205 किलोमीटर रहता है जिसमें 6.5 घंटे दिखा रहे, मतलब 5:15 तक पहुँचने का प्लान है। तो चलो मिलते हैं डायरेक्ट आपको बाइक पे। बाबा मज़ा आ रखा राइड में यार, रोड ज़बरदस्त है, मौसम ठीक है, अभी धूप है, लेकिन साइड में आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं। देखो पेड़ दिख रहे ना, शायद सेब के बगान है शायद, बाकी कन्फर्म आप लोग बताओगे। सेब ही है यार, सेब ही है। अभी पहुंच चुके हैं नारकंडा में, अभी तक हम चले हैं शिमला से 58 किलोमीटर, सीधा चलना भाई। ये एक चौक टाइप से है, लास्ट टाइम यहाँ पे स्टे किया था तब स्पीति करके आया था। हाँ दुकान देख ले भाई, ये पूरी मार्केट है, भाई को ना वो लेना है माइक, तो यहाँ पे देख रहे हैं। लो जी फाइनली नारकंडा पहुँच चुके हैं, शिमला से 56 किलोमीटर आ गए हैं, और अभी यहाँ से रामपुर पड़ेगा 66 किलोमीटर और रिकोंगपियो पड़ेगा 166 किलोमीटर। तो नारकंडा में भी कल स्नो हुई थी, लेकिन अभी यहाँ पे बिल्कुल खाली है, देख सकते हो आप। अभी मेन मार्केट में आए हुए हैं तो यहाँ पे कोई स्नो नहीं है, लेकिन रास्ते में बहुत जगह आप लोगों को स्नो देखने मिलेगी, मतलब रोड के दोनों तरफ स्नो थी, और जो थोड़ा बहुत मतलब छावा टाइप से था ना, सेट टाइप से था वहाँ पे, तो उसके घरों के सामने बहुत सारी स्नो गिरी हुई थी। आगे आपको और ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगी। तो चलो चलते हैं डायरेक्ट उल्टे बाइक पर, यहाँ पर कुछ सामान लेना है। लो भाई यहाँ पर एक शॉप थी, अंकल से पूछा कि कल यहाँ पे स्नो गिरी या नहीं गिरी, क्योंकि ढाबे वालों ने बताया था कि यहाँ पे स्नो गिरी थी, तो अंकल मना कर रहे हैं कल नहीं गिरी, लेकिन 2-3 दिन पहले गिरी थी, अभी बिल्कुल खाली है। अंकल कह रहे चितकुल के आसपास आपको सांगला के आसपास मिल सकती है स्नो, उससे पहले तो कहीं नहीं मिलेगी, मुश्किल है। तो अभी यहाँ पर ले लिया दूध अमूल का, क्योंकि दूध ज़रूरी है, आगे क्या पता कहीं मिले ना मिले, तो पीते हैं और फिर निकलते हैं। अगर सीधे चला जाओगे तो आप आगे चले जाओगे, यहीं पर हाटू पी कर थोड़ा सा आगे चलते ही आप हल्की फुल्की स्नो भी देख सकते हो, हर जगह सुनो है। 2-3 दिन पहले बढ़िया सुनो गिरी थी, लेकिन कल हल्की फुल्की सुनो थी। अभी हाटू पीक है यहाँ से, जहाँ पे मंदिर है बहुत बढ़िया। ओ भाई कितनी सुनो दिख रही यार, जबरदस्त, ऊपरली जो पहाड़ी ना पूरी सुनो से पैक है। A few moments late. भाई भाई गिर गया साइड, रुक जा रुक जा रुक जा, साइड में रोकनी पड़ी, रुकती है कोने, अग रोकनी पड़ेगी। उतरी गए भाई, घनी खतरनाक होगी, चोट तो ना लगी तरह की तरह। भाई गिर गई भाई, लीक लाक हो रहा है कि मैं तेल दे, घना बूंदा पड़ा भाई, घना बूंदा कुत्ते को छड़ता गया है, यह जैकेट बूंदी हो रही है। आड़े साइड में दया पाट भी रही थोड़ी, दया पाट की आड़े ते हाथ पर ठीक है ना तेरे सारे। अरे देखो इन्हें बताया इन्हें, हाँ भाई लेक आने थे मन्नत है, गनी बड़ी गलती कर दी ये तूने बोला ना बाइक था दे, रुकी को ना मेरी बाइक, बाइक बाइक गिर गई इस बाइक का, देख सकते हो यहाँ से देखो, देख यार तेल देख। गिर रखा जैसे देख, पता मेरे को, और बाइक ने देखेंगे ना देखो यहाँ पे देखो, और ये बाइक पूरी चेंज हो गई है, उस तरफ फेस था उस तरफ, और यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो ये क्या होता है, वहां से जैसे ही आए ना तो ये ब्लैक आइस है जो ये दिख रही ना ब्लैक ब्लैक, और हम लोगों को लग रहा है कि रोड है, लेकिन ये ब्लैक आइस है। देख दिखाता हूँ आप लोगों को, अब ये रोड है नीचे, इस पे देख हिल नहीं रहा पैर बिल्कुल भी, और अब देखो ब्लैक आइस पे। तो भाई साहब खतरनाक सीन हो गया इसका, यो पड़ा है भाई, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, ड्रिला क्या करना लग गया भाई साहब, सच बताऊं ना देर तक मैं सुन हो गया था, मेरे आगे ही गिरा करती नू, और ब्रेक जैसे मैंने मारे ना पिछले टायर के ब्रेक लग रहे थे, पर टायर को ना रुक रहा था, इस पर ये बोला ना मैंने उठा दिए, मैं पैर रखू और पैर भी घिसड़ते जाने लग रहे, काम करा के मैं अगले ब्रेक ना मारू, अगर मैंने अगले ब्रेक भी मार दिए होते ना तो तन्ने कैसा फील होया भाई पढ़ते, सच बताऊं देखो गिरे हैं, गिर के कुछ सीखने को मिला, नहीं नहीं सीखने को, जब गिरा किस तरह कैसा फील हुआ, ऐसा भी नहीं भाई, अरे अर्डर तला गया होगा, अरे यार आर्ट का हाथ लगा के देख लो, अगर मेरे अंदर वो होता ना भाई डर है, ठीक है तो आर्ट बीट तो कम से कम तेज मिलती मेरी भैया, बात नहीं मैं पूरा का पूरा गियर रखूं भाई, भाई बेस्ट गियर अप, अर्डर लगा आदमी ने,
डर लग गया आदमी मेरे को, लेकिन डर के एक चीज बताओ ऐसे ही तो सीखेंगे ना। भाई साहब रियलिटी में मुझे बहुत ज्यादा डर लगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे सबसे आगे भाई चल रहे थे, उसके बाद दूसरा भाई चल रहा था, पीछे मैं था, एकदम से क्या हुआ जैसे मोड़ होता था ना, ऐसे मोड़ होता है, मोड़ पे होते ही और ये ब्लैक आइस मिल गई रोड पे, पता नहीं चल रहा कि ये ब्लैक आइस है रोड है, और फिसलता चला गया बाइक, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं ऐसे घूम रही है ऐसे लट्टू की तरह, और ये भी ऐसे ही घूम रहा है। कितने मीटर से आया है वहां से? वहां तो आएगा नहीं, दूर आएगा वहां से और वहां तक। चलो चलो डायरेक्शन भी चेंज हो गया यार, ये देख के चलो ब्लैक आइस में, देख के चलो भाई, बारी बारी लीड करेंगे अब। हां एक बंदा नहीं कर सकता भाई। ठीक है ठीक है, अब तेरा मेरा है, तेरा मेरा है। क्योंकि जब गिरता हुआ देखा ना, एकदम से डर लगा भाई, घनी चोट लगी, घनी चोट लगी, पर शुक्र है चोट कहीं पर भी नहीं लगी, थोड़ी सी जैकेट फटकी, थोड़ी सी पैंट की आपस लगी है, हैंड ग्लव्स थोड़े से छिले हुए हैं, उसके बाद टंकी में थोड़ी थोड़ी चोट लगी हुई है। तो चलो अभी आगे निकलते हैं, देखते हैं क्या रहना वाला सीन। ये भाई आपको ब्लैक आइस दिखाते हैं कि कैसी होती है ब्लैक आइस, वैसे तो आपको रोड दिखेगा लेकिन टायर पूरा स्लिप करेगा, देखो दिखाते हैं। बहुत खतरनाक राइड होने वाली, बहुत खतरनाक भाई, ब्लैक आइस थी ये भाई, आगे वाला गिर गया, डर बहुत गंदा लग रहा क्योंकि रोड का और का ब्लैक आइस का पता नहीं चल रहा, लेकिन उसको देखेंगे, व्यू देखो यार कितना खतरनाक, कितना सुंदर प्यारा व्यू है। एक्सट्रीम राइड होने वाली भाई साहब, एक्सट्रीम राइड, क्योंकि अभी तो कहीं पे भी नहीं गए हैं, और दो बार ब्रेक डाउन हो ली, तीसरी बार भाई गिर भी लिया, बस यार पूछो मत कितनी एक्सट्रीम होने वाली है। लेकिन हम आपको चितकुल दिखाएंगे, काजा दिखाएंगे, कॉमिक सारे दिखाएंगे, सारी चीज दिखाएंगे, बने रहे बस, पूरी सीरीज में मजा आने वाला है। सुनो देखो भाई, हर जगह सुनो देखने को मिलेगी आपको, बस रोड पे ना मिलनी चाहिए, वापस आते टाइम मिल जाओ यार एक बार, कम से कम पहुंचा तो दो, विंटर स्पीति करवा तो दो यार, ये जज्बा होना चाहिए भाई का। ये देखिए अगले वाला भाई क्या बता रहा है इंटरकॉम पे, कि विंटर स्पीति करे बिना नहीं जाऊंगा, रीजन क्या बता रहा है, जैकेट फट गई, उसके बाद जो ये पैनियर थे उसमें छिलके नीचे से, उसके बाद जो जेरिकैन थे वे छिलके, वे सारी चीज छिलकी, तो ये कह रहा है कि अब मैं विंटर स्पीति करके जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा। ओ भाई दे सारी ब्लैक आइस है, ये नदी जा रही है जिसका नाम है सतलुज नदी, और ये अपने आर से किन्नौर से निकलती है और फिर शिमला, शिमला से फिर मंडी, बिलासपुर, कुछ ऐसे इसका रूट है, और शायद फिर पंजाब में चली जाती है ये नदी। भाई कितना प्यारा व्यू लग रहा है यार, कितना प्यारा, देखियो दोनों तरफ से पेड़ हैं, ऊपर से हिमाचल की पहाड़ियां हैं, और साइड में जैसे हिमाचली लुक में ट्रेडिशन घर हैं, देखो गजब रोड है भाई, गजब। गलत आ गए, गलत फंस गए भाई साहब, एक आदमी के चक्रा में। लो भाई वहां पर जो गिरे थे ना, वहां पर तो सारे सीरियस थे, अब यहाँ पे मजाक बना रहे। देखो सागर भाई को तो ना भाई, इसकी तो हालत खराब हो चुकी है, ये बोल रहा कि वापस जाऊंगा मैं, लेकिन इसको जाने नहीं देंगे ऐसे वापस। दोस्तों फिलहाल क्या है कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का जो भी चेंजेस है और उसका जो बॉडी पे प्रेशर फील होता है, तो कान हो चुके हैं बंद, और उसकी वजह से थोड़ा सा स्लीपी स्लीपी, जो भी कान अपने बंद हुए ना भाई, वे सारे इसके भाई के गिरने के बाद हुए, उससे पहले कुछ कान बंद नहीं था, सब कुछ पीछे का नजारा देखो, फिर उसके बाद जोश आएगा आप लोगों में, कुछ जोश नहीं आएगा भाई साहब, जबरदस्त। ये मजे हैं हिमाचल में अपनी बाइक लाने के, जैसे आप देख सकते हो कितना बढ़िया रोड है, और साइड में से नदी बह रही है सतलुज नदी, भाई साहब मजे आ गए, कितना प्यारा रोड है। यहाँ पे काम चला हुआ, कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, देख सकते हो आप नीचे, यहाँ पे किसी डैम का काम चल रहा है, और ये बहुत दिनों से चल रहा है, क्योंकि जब मैं, हाँ मैं पीछे से आया था ना, तभी श्रीखंड कैलाश के लिए आया था भाई, अभी थोड़े दिन पहले जुलाई में,
पाँच छः महीने से ज़्यादा ऊपर हो गए, तब भी यहाँ पे काम चला हुआ था। भाई साहब कितना प्यारा शहर है, कितना प्यारा शहर है, सामने देखो ये है रामपुर शहर, बहुत प्यारा शहर है। और इसके साइड से जो व्यू दिख रहा था ना वो और भी ज़बरदस्त दिख रहा था। अभी मेन शहर में इंटर करेंगे और वहाँ से हम फिर जाएंगे रिकोंगपियो, जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर रहता है, जिसमें 2 घंटे 40 मिनट गूगल महाराज शो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम 5:30 बजे पहुँचेंगे। लो भाई शहर, चाहे हरियाणा में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे दिल्ली में हो या फिर हिमाचल में हो, जाम हर जगह लगता है आप देख सकते हो। और यहाँ पे भी देख सकते हो कितना क्राउड है। ये यहाँ का बस स्टैंड है भाई, लेकिन जो मेन बस स्टैंड है वो है आगे। लो जी एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग कह सकते हो इसको, अपनी विंटर स्पीति का पहला वाटर क्रॉसिंग। ये पावे को ना बढ़िया वाटर क्रॉसिंग एक भी ना भाई, पाऊँगी ना वे उस साइड थी बत्ती, अगर मनाली साइड पाऊँगे ना जब ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग पाऊँगी ना अंत ना पावे। ये 2-3 पहाड़ हैं, बीच नीचे बिल्कुल गंजे हैं, उसके ऊपर पेड़ दिख रहे हैं और बीच में बिल्कुल बीच में आपको स्नो दिख रही है, कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन फोटो ले रहे थे, फोटो अच्छा नहीं आया, किस वजह से नहीं आया, नीचे गंद फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, इसलिए तो आगे ही चल पड़ते भाई। किन्नौर में आप सभी का स्वागत है। लो भाई फाइनली किन्नौर में आ गए हैं, और जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है देवभूमि किन्नौर में जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है। देखो भाई कितना शानदार व्यू है, अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये व्यू जरूर देखोगे, या फिर आप स्पीति की कोई भी ट्रिप जो ट्रिप ऑर्गेनाइजर हैं वे दिखाते हैं तो इसका फोटो जरूर दिखाएंगे भाई जरूर। देखो भाई आगे का रास्ता कैसा है, बिल्कुल ऐसे बना हुआ है, देखो अभी नीचे वहां पे जाऊंगे उस विलेज में। अभी टापरी की मार्केट से निकल रहे हैं और यहां से थोड़ी सी दूरी पर शायद 20-30 किलोमीटर होगा वहाँ पे है रिकोंगपियो आज का अपना डेस्टिनेशन। भाई यहाँ से सांगला 18 और चितकुल 42 किलोमीटर है, और कल्पा रिकोंगपियो के लिए सीधा है। अभी हम रिकोंगपियो की सोच रहे जो कि 23 किलोमीटर है यहाँ से, तो वापस आते टाइम आपको चितकुल दिखाएंगे, यहाँ से बढ़िया सुनो मिलेगी। करचम डैम है भाई ये, करचम डैम से उस तरफ क्रॉस करके चितकुल के लिए जा सकते हैं, सांगला और चितकुल के लिए। सांगला से आपको आगे हर जगह सुनो ही सुनो मिलेगी, लेकिन अभी हम जा रहे हैं आगे। लो भाई 98 रुपये 98 पैसे हैं, डलने लग रहे हैं। लो भाई एचपी का पेट्रोल पंप था, यहाँ पर तेल डलवा लिया है, 700 रुपये का आया है और 208 किलोमीटर चली है, 98.98 लीटर है। अभी यहाँ से हम यहाँ पे हमने कैंपिंग के लिए पूछ लिया है, ये कह रहा है यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो, तो अभी हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, यहीं पे खाना खाएंगे। 6 बजे का टाइम हुआ है और रिकोंगपियो से जस्ट 5-6 किलोमीटर पहले है, रिकोंगपियो थोड़ा सा ऊपर होगा अलग अप्रोच रोड पे, तो मेन रोड पे एक पेट्रोल पंप वहाँ पे बात कर ली थी, तो यहाँ पे पास में ही उसके मुश्किल से 100 मीटर होगा वहाँ पे एक रेस्टोरेंट ढाबा है, तो वहाँ पे खाना खाने में भाई ये 100 रुपये की थाली है, जिसमें 1, 2 और 3 ही सब्जी है और ये अनलिमिटेड है, तो आराम से खा सकते हो, और ये गर्म पानी है। वो पेट्रोल पंप का मेन ऑफिस है, इसके बाद ये पेट्रोल पंप है, सामने रोड है, वहाँ पे बाइक पार्क कर दी, यहाँ पे गाड़ी के जस्ट बगल में कैंपिंग कर लेंगे, और नीचे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, जल्दी से सेटअप करते हैं टेंट का। लो जी 8 बजे का टाइम हुआ है और टेम्परेचर लगभग 0 से -1-2 होगा, कन्फर्म है नहीं क्योंकि लोकेशन एक्यूरेट पे नहीं है, हम मेन हाईवे पे हैं और पेट्रोल पंप पे कैंपिंग की हुई है, तो रिकोंगपियो से लगभग 5-6 किलोमीटर पहले हैं,
पहले दिन हम शिमला पहुंचे थे, दूसरे दिन आज यहाँ पे कैंपिंग की है और कल काजा पहुंच जाएंगे। गूगल तो वैसे 5-6 घंटे दिखा रही है लेकिन आगे स्नो मिलेगी तो टाइम का पता नहीं। अभी आज ठंड में पता चल जाएगा कि हम कितना सहन कर सकते कितना नहीं। अभी बात करें तो अभी इसमें ये है और ये भाई साथ में सोए हुए हैं, ये भाई सागर है और दूसरे भाई है अरुण। तो कल अच्छी राइड होने वाली है, आज भी राइड बढ़िया हुई थी, वीडियो में आपको पता चलेगा कौन सी बाइक पिछली थी कैसे घूमे थे। अपा बेरा कित सोन लग रहे हैं कौन सी जगह है दिखता कौन है कल्पा सुसाइड ना कल्पा सुसाइड पॉइंट पे रिकॉम क्यों में थोड़ा क्या हट गया चाक क्या हट गया। हाँ तो चलो आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, उम्मीद करूंगा आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके जी बाय, गुड नाइट।